गठित नगर निगम में होने वाले चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी सक्रिय भूमिका में नजर आ रही है। भाजपा ने प्रत्याशी चयन और चुनावी मुद्दों को लेकर रणनीति बनाने का काम भी तेज कर दिया। ये देखते हैं इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। नगर निगम चुनावों में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी रणनीति में जुटी हुई है। तो वहीं प्रत्याशियों के चयन और चुनावी रणनीति को लेकर भाजपा मुख्यालय में अहम बैठकों का दौर जारी है और इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री और नगर निगम चुनाव में जयपुर के समन्वयक बनाए गए अर्जुन राम मेघवाल ने एक बैठक ली। इस दौरान बैठक में पार्षद प्रत्याशी के लिए पैरामीटर को लेकर चर्चा भी हुई। बैठक में तय हुआ किसी भी दावेदार को वार्ड बदलकर चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही सामान्य वर्ग की सीट पर अन्य वर्ग का प्रत्याशी उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि दोनों ही नगर निगमों में बीजेपी अपने 250 प्रत्याशी मैदान में उतारेगी और दोनों जगह बीजेपी अपना बोर्ड बनाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ आज बैठना हुआ, उसमें सांसद भी थे, माननीय विधायक भी थे, मंत्री, पूर्व मंत्री, सभी लोगों के साथ आज बैठे, पैरामीटर तय किए। दो विषय बड़े इम्पोर्टेंट उभर करके आए, एक तो वार्ड चेंज का और एक कैटेगरी चेंज। तो वही बीजेपी इस चुनाव में पार्टी में बगावत के सुर उठाने वाले पार्षदों को मौका नहीं देगी। उपचुनाव में बगावत करने वाले पार्षदों के नाम अनुशासन समिति के पास रिकॉर्ड में है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि अनुशासन भंग करने वालों को टिकट नहीं मिलेगा, चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले। सामान्य तौर पर जो वार्ड जिसके लिए आरक्षित है उन्हीं के लिए कोशिश करेंगे। अपवाद स्वरूप कुछ चीजें हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि वार्ड छोटे हो गए इसलिए हर वार्ड में काबिल और सक्षम लोग हैं, इसलिए ऐसा लगता नहीं है कि हमें कहीं उम्मीदवारों की कमी पड़ेगी। पहले से ही बहुत लोग लंबी लंबी कतारें हैं। इस बार जयपुर नगर निगम को दो हिस्सों में विभाजित करने के बाद अब चुनावों में बीजेपी ने भी अपनी रणनीति बदल दी है। हेरिटेज नगर निगम में पार्टी इस बार अल्पसंख्यक समुदाय, खास तौर पर मुस्लिम वर्ग के प्रत्याशियों पर भी दांव खेलने की रणनीति बना रही है। हेरिटेज नगर निगम में कांग्रेस को कमजोर करने के लिए बीजेपी मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर मुस्लिम वर्ग के प्रत्याशियों को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। जयपुर में दोनों निगमों पे भाजपा का कब्जा होगा, उसके कई कारण हैं। जिस तरह से पिछले 1.5 साल के अंदर जयपुर निगम चलाई गई है, 6 महीने पहले और 1 साल अभी प्रशासक के रूप में, उस समय जो जयपुर की जनता बेहाल हो गई है, सड़कें टूटी हुई हैं और यहाँ तक कि बिजली के बिलों ने जो करंट मारा है उसके कारण से जनता कांग्रेस से परेशान है, उनका कोई धनी धावी नहीं है। बहरहाल नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी कमर तो कस ली है। भाजपा ने अभी तक अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं उतारे हैं। ऐसे में प्रत्याशियों की घोषणा होने के बाद भाजपा में घमासान मचना लाजमी है। न्यूज इंडिया के लिए जयपुर से लखवीर सिंह शेखावत की रिपोर्ट।